फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम उपमा बनाने चल रहे हैं। तो हम ये मोटी वाली सूजी लिए हैं, ये 1.5 चम्मच हम ऑयल डाले हैं। हमको लो गैस पे एकदम मीडियम आंच में इसको हल्का सा भूजना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही भूजना है इसको। इस तरह इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, धीमी ही आंच में। इसको लगभग हमको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। ये सूजी हमारी भुज गई है, हम इसको ब्राउन नहीं किए हैं। ये हमारा सूजी हल्का सा वो हो गया है, पक गया है, निकाल लिए हैं। मूंगफली फ्राई कर रहे हैं, इसमें हम मूंगफली डाले हैं। ये मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, हम इसको निकाल ले रहे हैं अलग से प्लेट में, इसको हम बाद में डालेंगे। और हम काजू हल्का सा फ्राई कर रहे हैं 1 मिनट। डाल रहे हैं, ये हमारा देसी घी है। इसमें हम जीरा डाल रहे हैं छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हमारा राई है, राई चटक रही है, डाल दे रहे हैं छोटे छोटे पीस में काटे हैं। ये हमारा करी पत्ता है, इसको हम हल्का ही ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा हो गया है, अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल दिए हैं, बारीक कटी हरी मिर्च, और ये गाजर हमारा है। इसको लगभग धीमी आंच में 2 मिनट तक पकाएंगे हम। एक कटोरी, छोटी कटोरी से हमारी सूजी है, तो उससे ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा गीला हो जाएगा। हमको चॉप से ही बनाना है। ये हम पानी डाल दिए हैं, अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, हमारी सारी सब्जियां हल्का से पक जाए। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, इसको हम ढक देते हैं। लगभग 2 मिनट तक सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक जाएं। सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक गई, इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे कलर आने के लिए, बहुत हल्का। अब हम हल्का हल्का सूजी डाल के इसको मिलाएंगे, पूरा नहीं डालेंगे। हमको गैस लो ही रखना है, तेज आंच नहीं रखना है, नहीं तो पानी सोख लेगा और सॉफ्ट नहीं होगा हमारा उपमा। तो लो गैस पे हमको धीमी ही आंच में पकाना है। ये आधा चम्मच, 1 चम्मच हम नींबू ले रहे हैं, लगभग आधा नींबू हम इसमें निचोड़ रहे हैं। और इसको हम ढक देंगे, ढक देंगे 2 मिनट तक सॉफ्ट हो जाए, तब इसको हम डालेंगे प्लेट में। इसमें हम मूंगफली और काजू पहले से फ्राई किए थे उसको मिला ले रहे हैं, और ये हमारा बारीक कटा हुआ धनिया है। इसको अच्छे से मिला के ढक दे रहे हैं।
हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा उपमा बनके रेडी हो गया है। ये देख लीजिए, एकदम खिला खिला है, चिपका हुआ नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है ये। ये इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। अगर मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।